उज्जैन दौरे पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जब मुख्यमंत्री के साथ भोपाल से उज्जैन पहुंचे, उस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से निवेदन कर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही। इसी बात से संतुष्ट होकर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनाने की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी। मेडिकल कॉलेज की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से की गई है। लगातार इसके पहले भी कई बार डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मेडिकल कॉलेज बनाने की लेकर चर्चा की जा चुकी है। आज उज्जैन को मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रयास से सौगात मिली है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए जगदीस परमार की रिपोर्ट। संतोष और राहत की बात यह कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, आने वाले प्रकरणों की संख्या लगातार घट रही है। हम लोग अब देख रहे हैं कि अस्पताल हो या कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो, सामने आया है। हम ब्लैक फंगस का इलाज भी निःशुल्क करेंगे। ये स्टेराइड के ओवर डोज के कारण भी समस्या पैदा हुई है, कुछ और कारण हो सकते हैं। नमस्कार। उज्जैन में आज यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना की समीक्षा पूरे संभाग के सभी जिलों को लेकर के उन्होंने विस्तार से बात की। जितने भी हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, नॉन ऑक्सीजन बेड, मरीजों की स्थिति, कोरोना के विस्तार की स्थिति, पॉजिटिव दर, गरीबों के लिए राशन देने की व्यवस्था या शासन के द्वारा आयुष्मान कार्ड चलाने की योजना, जिन बच्चों के परिवार में कोई नहीं बचा ऐसे बच्चों के लिए बड़ी द्रवित होकर उन्होंने कहा कि ये बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, सरकार उसका ध्यान रखेगी, ऐसी बहुत सारी योजनाओं के साथ विस्तार से अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ उन्होंने चर्चा की। इन चर्चाओं के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में मेरे द्वारा, माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजा जी द्वारा, माननीय पारस जी द्वारा, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह और माननीय विवेक जोशी जी दो सब ने उनसे निवेदन किया कि हमारे लिए उज्जैन में चूंकि पर्याप्त चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए और आने वाले समय में रिसर्च के लिए या मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे संतोष है, इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस कठिन महामारी के दौर में जब हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। अर्थात आने वाले समय में चिकित्सा की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह निर्णय हम सबके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उज्जैन में आज का मुख्यमंत्री का दौरा ये वास्तव में एक तरह से अमर यात्रा की तरह हो गया। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का होना अर्थात अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा व्यवस्था इंदौर से बराबरी करते हुए हो जाने के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से ये जो आज घोषणा हुई है तुरंत उसका परिपालन होकर के भविष्य में मेडिकल कॉलेज यहां खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो लगभग 1000 बेड का ऑलरेडी बना बनाया है, मात्र पढ़ाने की व्यवस्था संबंधी एकेडमिक ब्लॉक बना करके इसको लागू किया जा सकता। हम सब कोशिश करेंगे। मैं सरकार का मंत्री होने के नाते से माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कदम बढ़ाएंगे और इसको घोषणा को चरितार्थ करेंगे। सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।